हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। एक जानकारी देना चाहते हैं। ये पता चला है कि कैथोलिक चर्च में घुसकर एक युवक के द्वारा जीसस क्राइस्ट मदर मेरी संत टेरेसा की प्रतिमा डैमेज कर दिया गया है। ये देखते ही वहां के मसीही लोगों में दहशत का माहौल बनकर सभी चिंतित होने लगे। आपको ये बताना चाहते हैं, इस न्यूज आर्टिकल से पता चला है, ये घटना बांग्लादेश की राजधानी राजशाही में 3 अप्रैल की घटी है। बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा 22 वर्ष से जैनातुई दोष को जयपुर मदर टेरेसा चर्च में तोड़फोड़ करने और पवित्र बाइबल के अलावा प्रतिमाओं की नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद मुस्लिम युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया गया। उसके गाँव वाले लोगों के द्वारा दावा किया गया है और इस आर्टिकल में ये जानकारी दी गई। साहिक विश्वकर रोजरो के साथ ऑनलाइन अध्यक्ष से बात की गई। उन्होंने इस घटना की निंदा की, दोषी कार्रवाई की मांग की गई। बिशप जी ने द्वारा अपील की गई, डरो मत, निराश मत हो। वह कैथोलिक बिशप की शांति न्याय और आरोप आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उनका ये भी कहना था कि लोगों से बिना डर के आगे बढ़ो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें बचाएगा। उनका ये भी कहना था, बांग्लादेश में हर व्यक्ति को संविधान रूप से पालन करने का अधिकार है। ये आज़ादी संविधान में दी गई थी। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।